क्या डंकी सलार को हरा पाएगी? कौन सी चीजें हैं जो सलार को डंकी से बेटर बनाती है और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए, आइए जानते हैं। 22 दिसंबर को इस साल का सबसे बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ एसआरके और राजकुमार हिरानी की डंकी है तो दूसरी तरफ केजीएफएम प्रशांत नील और पैन इंडिया स्टार प्रभास की सलार है। ये इस साल का सबसे बड़ा क्लैश क्यों है, आइए जानते हैं। डंकी और सलार भले ही एक साथ रिलीज हो रही हो पर इनका जॉनर एकदम एक दूसरे से उल्टा है। जहां पर डंकी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, वहीं पर सलार एक एक्शन पैक मास मसाला मूवी है। स्टोरी की बात करें तो डंकी में हमें दोस्तों के एक ग्रुप को विदेश जाने और वहां से घर वापसी की जर्नी को दिखाया जाएगा, जिसमें उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। सलार की बात करें तो इसकी कहानी दो दोस्तों के अराउंड घूमती है जो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने अच्छे दोस्त जानी दुश्मन बन गए, ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। इस मूवी को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है और इसका थीम डार्क रखा गया है, इसलिए इसमें आपको केजीएफ का फील भी आएगा। हम फैंस सोच रहे थे कि ये मूवी केजीएफ से कनेक्टेड होगी पर ऐसा नहीं है, इसलिए ज्यादा उम्मीदें ना रखें। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रशांत नील और राजकुमार हिरानी ने अपने पूरे करियर में एक भी फ्लॉप नहीं दी है, तो अब देखना ये होगा कि कौन किसको मात दे पाता है। ये मूवी प्रभास और एसआरके दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, जहां इस पूरे साल एसआरके छाए रहे और रिकॉर्ड बनाए और तोड़े भी। अगर डंकी फ्लॉप हुई तो ये इस साल की उनकी पहली फ्लॉप मूवी होगी। वही बाहुबली के बाद प्रभास अपना कमाल नहीं दिखा पाए हैं, इस वजह से उन्हें इस मूवी से काफी होप्स है। अब बात करते हैं कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। तो दोनों ही मूवीज धमाकेदार होने वाली है, पर अगर आप कॉमेडी ड्रामा और फैमिली फ्रेंडली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आप डंकी को चूज कर सकते हैं, और आपको अगर एक्शन और खून खराबे वाली मूवीज देखना पसंद है तो सलार इज बेस्ट फॉर यू। वैसे आप दोनों ही मूवीज देख सकते हैं, लेकिन सलार को 18+ की रेटिंग मिली है, इसलिए अकेले देखना बेहतर होगा, क्योंकि इस मूवी में हमें एक्शन के साथ साथ भर भर के खून खराबा दिखा जाएगा। कल आप कौन सी मूवीज पहले देखेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।